ओम शांति। आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती, जिसे भारत वर्ष में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरी नज़रों के सामने भारत का इतिहास घूम रहा है। जिस देश में राम, कृष्ण, गांधी, विवेकानंद, सरदार पटेल जैसे महानुभावों ने अपनी युवावस्था से एक महान क्रांति भारत देश के लिए की, उसी भारत भूमि के युवा पीढ़ी के प्रति आज भी मेरे दिल में इतनी ही श्रद्धा और सम्मान है। भारत देश युवाओं का देश है और युवा शक्ति वो देश की समृद्धि है। आज के दिन मेरे युवा भाई बहनों से मैं अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। हम जानते हैं ये कलयुग चल रहा है, चारों ओर तामसिकता, भ्रष्टाचार, अंधकार, नकारात्मकता फैली हुई है। इस कालिमा को हटा करके इस भारत भूमि पर स्वर्णिम सवेरा लाना, ये तो आम हम सभी का काम है। जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, वो आशीर्वाद अवश्य दे सकते हैं, लेकिन कंधे से कंधा मिला करके, संकल्प से संकल्प मिला करके हम युवाओं को एक क्रांति जगानी होगी कि हम फिर से अपने भारत देश को विश्व गुरु बना करके ही रहेंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं अगर हम ठान लेते हैं तो। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सर्वप्रथम हमें अपने मनोबल को बढ़ाना होगा और इस मनोबल की वृद्धि के लिए क्या किया जाए? मन के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है और इसीलिए कहा गया है जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। तो हमें नकारात्मकता को खत्म करके सकारात्मकता को अपने जीवन में महत्व देना होगा। सकारात्मकता क्या है? सकारात्मकता अर्थात पॉजिटिविटी, जो करना चाहिए वो ही करे, जो ना करना चाहिए वो ना करे,
उसे कहा जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। लेकिन अगर जो करना चाहिए वो न करे और जो न करना चाहिए वो करे, उसे नकारात्मकता कहा जाता है। हम अपने आप में सकारात्मकता को अपनाएं। दूसरी बात है, हमारे अंदर एक गहरा आत्मविश्वास हो और दृढ़ता हो। मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं और मुझे वो करना ही है, क्योंकि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं और मेरे साथ सृष्टि के नियंता परम प्रिय परमपिता परमात्मा का साथ है। तो परमात्मा में श्रद्धा और स्वयं में आत्मविश्वास। हम आत्मा हैं और आत्मा के पिता परमात्मा हैं। पिता के गुण पुत्र में दिखाई पड़ते हैं। परमात्मा ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता और शक्ति का सागर है। और क्योंकि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मैं आत्मा भी ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, पवित्रता स्वरूप और शक्ति स्वरूप हूं। ऐसा श्रेष्ठ आत्मविश्वास अनुभव करते हुए स्वयं को भाग्यवान आत्मा महसूस करना है। और दूसरी एक वास्तविकता ये है कि इस संसार में कोई भी मनुष्य एक जैसा दूसरा नहीं है। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग है और इस हिसाब से मेरे जैसा इस दुनिया में पहले कोई हुआ नहीं है, अभी कोई है नहीं और भविष्य में कोई होगा भी नहीं। अर्थात मैं एक यूनिक व्यक्ति हूं और मेरा अपना सबसे न्यारा व्यक्तित्व है और मुझे अपने व्यक्तित्व के प्रति प्यार और सम्मान है। इस विश्व नाटक में मुझे अपना रोल बहुत पसंद है। हमें अपने व्यक्तित्व को इतना ही अधिक सम्मान देना है जितना कि दुनिया की कोई महान ते महान व्यक्ति को हम सम्मान दें। तो ऐसा श्रेष्ठ आत्मविश्वास और परमात्मा में श्रद्धा हो। फिर है एकाग्रता। जीवन में किसी भी कार्य में अगर हम सफलता चाहते हैं तो हमें फोकस रहना पड़ता है। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प की पूर्ति के लिए लग लगे की तरह लगे रहना।
जब तक कि वो कार्य संपन्न हो, हमारा संपूर्ण फोकस उसी संकल्प के प्रति हो। जहाँ एकाग्रता है वहाँ सफलता अवश्य प्राप्त होती है। तो मेरे परम स्नेही युवा भाई बहने, आज के दिन आप हम सब मिल करके अपने आप से एक श्रेष्ठ प्रतिज्ञा करें कि मैं अपने इस युवा काल की एक एक सेकंड का, एक एक संकल्प का और एक एक श्वास का इतना मूल्य करूंगी जो अविनाशी बन जाए, अर्थात कि जो संकल्प और जो समय हमारे जीवन की यादगार बन जाए। आज के दिन उस महान परिवर्तक और भारत की संस्कारिता का झंडा विश्व में लहराने वाले हमारे स्वामी विवेकानंद जी की छवि हमारी नजरों के सामने आ जाती है। कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व, कितनी आध्यात्मिक मानसिकता और जीवन में कितनी संस्कारिता। हम सब दो हाथ जोड़ करके, नतमस्तक होकर के दिल से कहेंगे, आपकी प्रेरणाएं, आपका मार्ग प्रदर्शन हमारे जीवन की पगडंडी बनी रहेगी। हम दिल से बारंबार आपको नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते।